चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है। इसमें हमें दिया गया है कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन में साइन 17x माइनस साइन 3x को बराबर दिखाना है माइनस साइन 2x अपॉन में कॉस 10x के। चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना है हमें इसे। तो लिखिए जो हमारा एल एच एस है वो क्या है, देखिए लिखिए कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन में साइन 17x माइनस साइन 3x। तो स्टूडेंट देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। सी का मान है 9x, डी का मान है 5x, तो 9x प्लस 5x तो 9 5 14x, 14x को 2 से काटोगे तो आपको मिलेगा 7x, ठीक है। इनटू में साइन डी माइनस सी, डी का मान कितना है 5x, सी का मान कितना है 9x, 5x माइनस 9x आपको मिलेगा माइनस 4x, और माइनस 4x को आप जैसे ही 2 से काटोगे तो आपको कितना मिलेगा माइनस 2x, ठीक है। अब यहां पर देखें साइन सी माइनस साइन डी किसके बराबर होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी 17x प्लस 3x, 17 3 20x हो गया, 2 से काटोगे तो 10x, ठीक है। इनटू में साइन सी माइनस डी बाई 2, 17x माइनस 3x करोगे तो 14x, और आप 2 से काटोगे तो 7x, ठीक है। आगे देखिए, अब ए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 7x, देखिए यहां से साइन माइनस थीटा हमारा बराबर, देखिए साइन माइनस थीटा हमारा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, तो यहां से क्या मिलेगा हमको माइनस साइन 2x, माइनस को यहां लेकर के चले आए हम, तो इसे लिख सकते हैं साइन 2x, ठीक है। यहां पर देखिए कॉस 10x और यहां से साइन 7x, साइन 7x से साइन 7x कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा क्या माइनस साइन 2x अपॉन में कॉस 10x। अब आप लोग देख लीजिए, हमें यही दिखाना था माइनस साइन 2x अपॉन में कॉस 10x, हमारे पास वो आ चुका है। तो लिखिए हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे और हमने राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिया, ठीक है। लिखिए प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था हमने इसको सॉल्व कर दिया है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या हुआ। तो स्टूडेंट आप लोग 17 नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन में कॉस 5x प्लस कॉस 3x को बराबर दिखाना है टेन 4x के। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए और राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दीजिए इसको, क्या है साइन 5x प्लस में साइन 3x अपॉन में कॉस 5x प्लस कॉस 3x। देखिए साइन सी प्लस साइन डी किसके बराबर होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी 5x प्लस 3x 8x हो गया, 2 से काट दोगे तो 4x, ठीक है। इनटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2, 5x माइनस 3x 2x होगा, 2x को 2 से काटोगे तो x आ गया, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप लोग सोच पा रहे होंगे कैसे हमने किया। कॉस सी प्लस कॉस डी किसके बराबर होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, तो 5x प्लस 3x 8x हो गया, आपने 4 से आपने 2 से काटा तो 4x। इनटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2, 5x माइनस 3x 2x आपको मिलेगा, 2 से काटोगे तो x मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा,
साइन 4x अपॉन कॉस 4x हमें यहां से मिला, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा, इसलिए यहां पर साइन 4x अपॉन कॉस 4x बराबर हो जाएगा टेन 4x की। और ये हमारा है क्या, राइट हैंड साइड, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट, और हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट आप लोग अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है, हमें दिया गया है साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, इसको बराबर दिखाना है टेन एक्स माइनस वाई अपॉन में टू के, ठीक है। तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए, देखिए लिखिए क्या लिखा है, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। सॉल्व करिए, देखिए साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू हो जाएगा, इनटू में साइन सी माइनस डी बाई टू, एक्स माइनस वाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में क्या होगा, देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो यहां पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी यानी कि एक्स माइनस वाई अपॉन में टू, ठीक है, इतना हो गया। अब अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो, ये जो टू है टू से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू है, यहां पर भी कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू है, तो इससे ए कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, एक्स माइनस वाई अपॉन टू, यहां पर देखें बचा कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन में टू। अब आप लोग पता है ना आपको, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, तो यहां पर आएगा टेन, थीटा के स्थान पर क्या है, एक्स माइनस वाई अपॉन में टू, और आप लोग देख सकते हैं मैं क्या दिखा रहा था, टेन एक्स माइनस वाई अपॉन में टू सिद्ध करना था, तो हमारा जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास आ चुका है, इस तरीके से हमारा क्या प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग 19 नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया गया है हमें, साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स बराबर दिखाना है टेन टू एक्स के। चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप लोग लिखिए, देखिए क्या है लेफ्ट हैंड साइड, साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स। देखिए कैसे सॉल्व करोगे, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, ठीक है, तो c के स्थान पर x है, d के स्थान पर 3x, x प्लस 3x करोगे 4x हो गया, और 2 से काट दोगे तो आपको 2x मिला, इन टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, एक्स माइनस 3x करोगे तो माइनस 2x, और माइनस 2x 2 से कटेगा तो आपको माइनस x मिलेगा, अपॉन में कॉस c प्लस कॉस d किसके बराबर होता है, 2 कॉस c प्लस डी बाई टू, एक्स प्लस 3x 4x हो गया, 2 से काटोगे तो 2x, इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई टू, एक्स माइनस थ्री एक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस दो एक्स, दो से कर दोगे तो माइनस एक्स, ये मिलेगा आपको। अब आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए ये जो दो है दो से तो कट गया, ठीक है, यहां पर कॉस, चलिए लिख लेते हैं एक स्टेप और, साइन टू एक्स इंटू में कॉस माइनस थीटा हमारा बराबर होता है, जैसे कॉस माइनस थीटा लिखा गया तो बराबर होता है कॉस थीटा के, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा कॉस एक्स, और यहां पर देखिए लिखा है कॉस टू एक्स इंटू में कॉस माइनस थीटा, तो ये भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस प्लस कॉस एक्स के, ठीक है, और देखिए कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा बराबर होता है टेन थीटा के, ठीक है, और थीटा के स्थान पर टू एक्स है, तो
हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया है। यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या कहा जा रहा है। हमें दिया गया है साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसे हमें बराबर दिखाना है टू साइन एक्स के, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो लिखिए लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया गया है, साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन में दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। तो एक्स प्लस थ्री एक्स करेंगे फोर एक्स हो जाएगा, अपॉन में टू करेंगे तो फोर एक्स अपॉन टू करेंगे टू हो जाएगा, ठीक है। टू एक्स यहाँ पर मिलेगा इन टू साइन सी माइनस डी बाई टू। एक्स माइनस थ्री एक्स करोगे तो आपको माइनस दो एक्स मिलेगा, और माइनस दो एक्स को आप दो से काटोगे तो माइनस एक्स मिलेगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं याद हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्मूले का लिंक आपको मिलेगा, आप लोग वहां से पढ़ लेना। चलिए अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अगर स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस कॉमन कर लें तो हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा। अब आप ध्यान से देखिए, यह है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा हमारा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, तो माइनस को हम बाहर निकाल ले रहे हैं, माइनस टू कॉस टू एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब आप लोग ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला सारा याद होगा तो आप लोग प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। कॉस स्क्वायर माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा बराबर होता है कॉस टू थीटा के। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, कॉस टू एक्स के। देखिए माइनस से माइनस कस गया कट जाएगा, कॉस टू एक्स से कॉस टू एक्स कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, टू साइन एक्स, ठीक है। और ये हमारा क्या आ गया है, राइट हैंड साइड, और यही हमें दिखाना था। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक किया है, तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, बाकी के जो सवाल हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।